तुम वीडियो बना रहे हो? हाँ लो पानी। दूर से रो के बात करो, इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हें भी। सो गाइस, हो गया है। दोनों को ही हो गया लग रहा है, जुकाम हो गया। सो गाइस, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही, उसकी वजह यही है क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी और बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो रहा है, छींक वगैरह भी आ रही है। तो उस वजह से गले में सुबह सुबह जब उठता हूँ तो दर्द होता है, तो उस वजह से मैं मतलब बोल नहीं पाता हूँ ढंग से सुबह सुबह, तो फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। फिर तो पता बॉडी भी अजीब हो जाती है, फिर साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी चल रही है। सो अब ऐसे ही है, ठीक है। तो आज वीडियो बना रहा हूँ। सो आज एक नॉर्मल सी वीडियो है और आज स्टार्टिंग कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा पेस पे लाएंगे दोबारा, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सो आज हम सबसे पहले, हमारे पास है एयर प्योरीफायर MI का, सो उसकी हमको एक बार इसका जो एयर फिल्टर है वो साफ़ करना है। एयर फिल्टर जो है, मुझे लगता है उसमें बहुत धूल आ गई है। वैसे तो 3 महीने बाद चेंज होता है, पर अभी उसका इतना टाइम नहीं आया है। सो अभी थोड़ा सा उसको साफ कर लेते हैं, उसमें धूल वगैरह है, क्योंकि वो नीचे ही रखा रहता है और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगता है तो उसमें धूल वगैरह जाती है। सो उसमें कभी कभी उसका जो सेंसर होता है जैसे वो बताता है कि कितना उसमें पॉल्यूशन वगैरह है, तो वो शायद उसमें डस्ट वगैरह आ गई, तो थोड़ा सा उसको साफ़ करते हैं और उसके बाद हमें जाना है दोबारा एक्सरसाइज करने, क्योंकि एक्सरसाइज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करेंगे, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और वैसे मेरे बॉडी में इतनी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जो है हल्की फुल्की है, तो उससे एक्सरसाइज से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कर सकता हूँ। पर किसी और ज़्यादा दिक्कत हो तो एक्सरसाइज ना करे तो अच्छा रहता है उस टाइम पे, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। पर हमारी बॉडी अभी थोड़ा सही है तो हम जा सकते हैं, और हमने कभी स्किप भी नहीं किया, अब हम रोज़ जा रहे हैं। सो कमेंट करके बताना कि क्या थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि भाई कुछ फ़ायदा दिख रहा है क्या। अभी पेट वगैरह तो जल्दी कम होगा नहीं, क्योंकि अभी तो कम ही टाइम हुआ है गोवा से आने के बाद, पर लगभग वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिख रहा है, लोग भी बोल रहे हैं। सो अभी पता चलेगा लॉन्ग टर्म में, 1-2 महीने में जाके पता चलेगा कि कितना फ़र्क आया है। सो ये हमारा एयर प्योरीफायर जिसको हमें साफ़ करना है। मुझे लगता है मुझे मास्क लगा लेना चाहिए क्योंकि और ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसको हम कुछ यहाँ से खोलेंगे, पीछे से ही खुलता है, और ये देखो कितनी धूल है। तो मास्क लगा के इसको साफ़ करता हूँ और फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। चलो ये धूल दिख रही है, अंदर भी है थोड़ी थोड़ी, बाहर तो बहुत ज्यादा है। चलो इसे थोड़ा सा कपड़ा एसी के जैसे लग रहा है, कपड़ा मार के साफ करते हैं। ये इसका लेजर पार्टिकल सेंसर है, सो इसको भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये ऐसे हुआ साफ और क्या हुआ, इसको बंद कर देते। सो बाहर जाके हमने इसका जो फिल्टर है वो साफ कर दिया है। सो अभी इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा वर्क करता है। वैसे स्टार्ट करके पहले भी सही करा था, पर थोड़ा सा कभी कभी क्या होता था कि कभी दिखाता था कि जो पॉल्यूशन लेवल है वो ज़्यादा है, कभी कम हो जाता था ऑटोमेटिकली, तो थोड़ा सा डस्ट की वजह से इसको दिक्कत आ रही थी। और आई थिंक अब सही चलेगा, तो आओ तो मैं दिखाता हूँ। सो अभी पॉल्यूशन लेवल दिखा रहा है यहाँ पर, अभी देखो बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत देर में एक्यूरेट आ जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिक पे है ये तुम्हें, और ये टेम्परेचर दिखा रहा है साथ में, और ये फिल्टर का जो फिल्टर की जो लाइफ है उसे दिखा रहा है कि 68% जो है वो हो चुका है। सो फिल्टर की लाइफ भी दिखाता है, जब चेंज करना होगा तो ये बता देगा। और अभी देखो पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, कि दिन में इतना रहता ही है, लगभग 100-150 के करीब बड़े आराम से रहता है घर के अंदर। सो इसको अभी थोड़ी बहुत देर में अपने आप कर देगा। अभी देखो उसका साउंड नहीं आ रही है, पर अगर हम इसको मैनुअल मोड से अगर करें ऑपरेट तो ये थोड़ा तेज करेगा और जल्दी करेगा। जैसे कि देखो ये अब देखना,
अब 5 से 10 मिनट के अंदर ये पॉल्यूशन लेवल को कम कर देगा। अभी गेट भी खुला हुआ है, सो जब गेट बंद कर रहे हैं तो जल्दी करता है। सो ये सफाई अभियान पूरा हो चुका है। अब आज थोड़ी तबीयत सही थी इसलिए मैंने कर लिया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसको करने की, क्योंकि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है और उससे बहुत सारे वैसे भी बैक्टीरिया वगैरह भी साथ में आते हैं। आजकल इस टाइम पे मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, सो हमें भी जो जो लगा है बैक्टीरिया कहीं ना कहीं शैम्पू या मंगू से लगा है, क्योंकि पहले उनको हुआ था, पहले मंगू को हुआ था, फिर शैम्पू को हुआ और उसके बाद मुझे हुआ और सिमन को हुआ। हम दोनों को एक साथ ही एक ही रात में हो गया था, मतलब परसों रात से हमें स्टार्ट हो गया था जुकाम वगैरह। कल भी बहुत ज़्यादा गला दुख रहा था, परसों भी था, और उसके बाद आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है। पर जैसा कि सबको पता है कि जो जो जैसा कि गला वगैरह जब कोल्ड वगैरह हो जाता है, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसको कम से कम एक साइकिल होता है, 4 से 5 दिन लगते हैं सही होने में। चाहे आप मेडिसिन लो चाहे मत लो, वो फिर भी 4 से 5 दिन में ही सही होता है। बस ये मेडिसिन से आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो अभी तक मैंने कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ली है, बस एक ली थी वो भी जो एंटीबायोटिक थी, सो वो मैंने 2 दिन पहले ले ली थी। अभी मैंने कोई मेडिसिन ली है, पर अपने आप ही सही हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। बस आप जो है खाने पीने में थोड़ी सी चीज़ें, ठंडी चीज़ें मत खाओ, खट्टी चीज़ें मत खाओ, तो अपने आप ही चीज़ें सही होती रहती हैं। सो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीवर वगैरह नहीं है मेरे को, और ये अच्छी बात है। नहीं तो मुझे तो लगा था कहीं कि भैया कोरोना वायरस मुझे तो नहीं हो गया। सो कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे, आजकल बहुत चल रहा है, बहुत लोग उससे मर चुके हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक बार वॉक करके आ जाते हैं, उसके बाद आराम से नहा धो के बैठ के आप लोगों से बात करेंगे कि कैसे उससे बचाया जाए। सो गाइस पार्क में बैठे हैं, वो इस वजह से क्योंकि भाई साहब मैडम पे ज़्यादा चला नहीं जा रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब है उसकी, इसे भी कोरोना वायरस लग चुका है। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं, नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, जुकाम वगैरह हो गया है, कोरोना तो नहीं है, मौसम बदल रहा है ना इसलिए। बारिश चल भी रहा है बहुत सारी, शैम्पू और मंगू लेके आए घर में वायरल हमारे तो। ठीक है, सो इसको अजीब सा लग रहा है इसलिए ज़्यादा घूमे नहीं है। अब वैसे भी अगर बॉडी को जब साथ ना दे तो थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए, तो बैठे हैं। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देर में चलेंगे, एक दो चक्कर लगा के तो चलेंगे, क्योंकि मैं तो चल सकता हूँ, तुम या फिर तुम बैठ जाना, मैं चल लूँगा। जब तक मैं सोचा कि बैठ के आप लोगों से ही बात कर लूँ। सो भैया कोरोना वायरस के ऊपर बात कर रहे थे हम, तो कोरोना वायरस ये है कि उसमें ध्यान रखना है, इंडिया में भी आ ही चुका है वो, जैसा कि न्यूज़ के हिसाब से अगर देखें तो कई लोगों को जो बाहर से आए हैं, चाइना वगैरह से आए, उनको जो है लग चुका है, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। अभी अंकल गाने चला रहे हैं तो ये कॉपीराइट आ जाएगा, तो थोड़ा अंकल को जान देते, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के ऊपर। तो कोरोना वायरस ये है कि उसमें बस ध्यान रखो, वो हाथ से किसी, जैसे आप किसी को छींक आई, मतलब कोई वायरल की तरह ही है, हाथ से फैल रहा है, किसी का जूठा खा लिया उससे फैल रहा है, किसी ने छींक के कहीं पे हाथ लगा दिया और आपने उस जगह को पकड़ लिया उससे फैल रहा है। सो ध्यान रखो, मास्क लगा के घूमो, एक तो अगर जहाँ कहीं अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हो, और किसी को जैसे कोई जुकाम या सर्दी कुछ है तो उससे थोड़ा सा एक दूरी बना के रखो, और वहाँ पर तो मास्क पक्का ही लगा लो। और कुछ भी चीज़ जैसे बाहर से आ रहे हो तो बाहर से आने के बाद अपना हाथ वगैरह जब कुछ खाओ आप, या बाहर भी कुछ खा रहे हो तो पहले हाथ वॉश करो, देन उसके बाद आप कुछ चीज़ें खाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जैसे पैसे वगैरह भी होते हैं उनको टच करते हैं, उनको जेब में रखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ही खा लेते हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें फैल सकती हैं। पैसों को तो धो के नहीं यूज कर सकते, पर ये कि अपने हाथों को धो के यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या बोलेंगे, दिवेश सिंह की तरह सैनिटाइजर ऑर्डर करो इतना बड़ा अमेज़न से भाई, हर चीज़ पे लगाओ, मुंह पे भी। भाई यही तो है, पहले मैं इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर जो है वायरल वगैरह में ध्यान रखना चाहिए, और सैनिटाइजर वगैरह यूज करो अगर है तो, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो, छोटा सैनिटाइजर भी, हाँ तो छोटा आता है, उसे ले जाके जैसे बाहर कहीं जा रहे हो तो कुछ खाने पीने से पहले अपने हाथ वगैरह थोड़ा सा साफ कर लो, सही रहता है। क्योंकि भाई एक बार अगर फैल गया तो फैल जाओगे, तो फिर तुम फैल जाओगे, हमें नहीं है, हम बच चुके हैं। क्योंकि उसमें फीवर वगैरह भी आता, तो आंखें भी नशीली हो रही है। हाँ, इसको थोड़ा ज़्यादा कमजोरी लग रही है, पर मेरे को फीवर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा गला खराब है और नाक बंद है, मुझे भी कोई फीवर नहीं है। इसको पहले दिन शायद थोड़ा सा आया था ना, वैसे लगा था बॉडी में ना, सो हाँ एक टाइम पे थोड़ा एक्सट्रीम वर्कआउट भी चल रहा है भाई साहब, और डाइट भी चल रही है, सो बहुत सारी चीज़ें, तो आज थोड़ा कम करेंगे और घर चलते हैं, फिर घर जाके बात करते हैं। चलें थोड़ा सा एक चक्कर और लगा लें, फुटेज अच्छा आ गया ना, अब लाइटिंग वगैरह सही है, चलो फिर एक चक्कर और लगाते हैं, उसके बाद फिर घर चलते हैं। ठीक है, चलो। सो गाइस अब हम घर आ चुके हैं, तो आगे की बात करते हैं। अबे यार ये फ़ैन कैसे चलाते हैं, मैंने वैसे सर्दी हो रही है। सो चलो बात करते हैं बैठ के थोड़ा सा,
तो भैया देखो बात प्रॉपर ये है, तो कोरोना वायरस से बचने के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखो। और साथ ही साथ कोरोना ही नहीं बाकी के वायरसेस भी इस टाइम पे फैलते हैं। जब भी मौसम चेंज होता है, ठंडे से गर्मी, गर्मी से ठंडा, या फिर बारिश वगैरह का मौसम होता है, उस टाइम पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस टाइम पे उनके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपने देखा होगा कि उसी टाइम पे ही जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनका धंधा स्टार्ट होता है, उनका बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि भैया बैक्टीरिया आ चुका है तो ज़्यादा बीमार होंगे, ज़्यादा लोग हॉस्पिटल जाएंगे और उनका पैसे बनाने का जो है स्टार्ट हो जाएगा धंधा, ठीक है। सो उस चीज़ से थोड़ा सा उनके धंधे की बात छोड़ो, पर अपने आप को थोड़ा आप ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो कि आपको बीमारी ना हो। और उसके लिए क्या है कि मास्क वगैरह पहनना तो मस्ट है यार, क्योंकि आप क्या है कि अगर आपको बीमारी है भी तो भी मास्क पहनो, नहीं है तो भी पहनो, क्योंकि अगर आपको है तो आप दूसरे को नहीं फैलाओगे और जिसको नहीं है वो उसको लगेगी नहीं किसी और से। तो मास्क बहुत ज़्यादा सही है, वैसे भी पॉल्यूशन से आपको बचाता है। मैं जब भी बाइक वगैरह से बाहर जाता हूँ मैं अपना मास्क पहन के जाता हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी से ही बचाता है और वैसे भी पॉल्यूशन वगैरह तो आपको दिल्ली का पता ही है कि कैसा है, ठीक है। तो भैया मास्क पहनो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मास्क पहनने से बहुत सारी चीज़ें सही रहती है, थोड़ा ज़्यादा ही जियोगे अच्छी बात है, ठीक है। ओपन जिम वगैरह मैं पार्क में ही करता हूँ अभी। सो पार्क में क्या है कि वहाँ पे मशीन वगैरह होते हैं, वहाँ कोई भी बंदा आके वहाँ पे करता है, सो उनका उनको क्या बैक्टीरिया है क्या है, कोई भी हाथ लगाता है, वहाँ पे कोई साफ सफाई वगैरह तो होती नहीं है। सो वहाँ पे आप भी जाके हाथ लगाते हो और आप भी वर्कआउट करते हो, तो उस टाइम पे आप जो है थोड़ा मास्क वगैरह पहनोगे तो वहाँ से बैक्टीरिया नहीं फैलेगा। और आने के बाद हाथ धोने, जैसे मैंने आने के बाद अभी हाथ धोए हैं, और हाथ धोना मस्ट है, कुछ भी खाने से पहले हाथ धो, क्योंकि जो होता है ना कि हम खाने से पहले हाथ वगैरह नहीं धो पाते, जैसे बाहर होते हैं तो बाहर हम ऐसे कुछ भी खा लेते हैं, तो बाहर भी अगर आप किसी ठेले वगैरह कहीं पर भी कुछ भी खा रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखो कि आप हाथ धो के खाओ, और जिस बंदे से आप बनवा रहे हो उसका भी थोड़ा देख लो कहीं उसको जुकाम तो नहीं हो रहा कि वो आपके खाने में मिला के आपको दे रहा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस की बात नहीं है, वैसे भी नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, और आपके जानने वाले जितने भी फैमिली में उनको भी आप थोड़ा सा अवेयर करो, क्योंकि भाई चाइना में अब तक लगभग 200 से 250 लोग मर चुके हैं और ये कई देशों में भी फैल चुका है। इंडिया में भी थोड़े से कुछ जो है लोग पाए गए हैं, दो चार लोगों के साथ सबसे मैंने न्यूज में देखा है कितना फैल चुका है। सो उनको थोड़ा जो है हम ट्रीटमेंट वगैरह उनका तो चल रहा है, पर यह है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखो। आपको कभी भी फीवर वगैरह थोड़ा सा भी लगता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे को फीवर आया ही नहीं था, मेरे को हल्का सा बस जो है नाक बंद हुई और गला खराब था। सो उसके बाद मैंने एक एंटीबायोटिक ली और वो अब बिल्कुल थोड़ा सही सा लग रहा है, अब थोड़ा बहुत है, ज्यादा कुछ है नहीं, वो एक दो दिन में सही हो जाएगा। और वैसे भी जब आपको थोड़ी सी भी बीमार हो तो वर्कआउट भी नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर करती है सबसे पहले उस बीमारी से हमको बचाने के लिए, उसको खत्म करती है। तो उस टाइम पे जो एक्सरसाइज करते हैं उन चीजों को वो रिकवर नहीं करती, उनको बाद में देखती है, ठीक है। और हाँ, मोबाइल को साफ करो, सैनिटाइजर से मोबाइल को साफ जरूर करो, क्योंकि मोबाइल में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल को अपने बाथरूम में ले जाते हैं, अब क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, पर बाथरूम में पॉट पे बैठ के पता नहीं क्या देखते होंगे उसमें कुछ ना कुछ, या फिर चैट चलती हैं भाई साहब। सो वीडियो कॉल भी चलते हैं बहुत लोगों के, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है वो भाई साहब बहुत वीडियो कॉल करती हैं, ठीक है। मम्मी और पापा से बच के चुपचाप बाथरूम में वीडियो कॉल चलता है। इस टाइम पे वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, तो भाई साहब थोड़ा ध्यान रखो, मोबाइल को साफ करो। वैसे भी हम लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर भी कहीं से भी कुछ भी हाथ पाथ लगाते हैं, फिर मोबाइल यूज करते हैं, फिर नॉर्मली खाना खाते हैं तब भी मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल को भी आप सैनिटाइजर से साफ कर सकते हो। हल्का सा लगाओ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाओगे तो खराब हो सकता है भाई देखो, और फिर उसके बाद आप बोलोगे दिवेश भाई मेरा मोबाइल आपने खराब करवा दिया, ठीक है। बाकी मोबाइल को साफ करने के लिए आपको क्या करना है, एक मिनट रुको भाई, तक के लगा के बात करते, थक गया मैं, ठीक है। तो ये है कि आप सबसे पहले तो सैनिटाइजर को थोड़ा सा मोबाइल पे लगाओ, स्क्रीन पे थोड़ा सा बैक साइड में उसको हल्का सा रब करो, और उसके बाद वो बस यूज कर सकते हो मस्त बढ़िया। और आजकल जो मोबाइल वगैरह आ रहे हैं वो तो वैसे भी थोड़े जो है वाटर रेजिस्टेंट आते हैं, जैसे कि आईफोन वगैरह है और भी बहुत सारे फोन है जो वाटर रेजिस्टेंट है, सो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है डरने की, पर बहुत लोगों के जो फोन है वो नहीं होते, तो उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कम लगाओ, बहुत ही कम, हल्का लगाओ और आराम आराम से साफ करो। स्पीकर वगैरह के ऊपर मत लगाना, कोई भी पोर्ट है उसके ऊपर मत लगाना, और मोबाइल को भी साफ रखो और खुद भी साफ रहो, ठीक है। चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, आज की बस ये वीडियो थी, कोरोना के ऊपर थी कहीं ना कहीं। जब देखो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, तो मैं पहले इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था, पर अब ध्यान देने लगा हूँ, थोड़ा साफ सफाई, मतलब वैसे हाथ धोना, कहीं से भी आके पैसों वगैरह को हम छूते हैं उस टाइम के बाद भी हमको हाथ धोने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इन्हीं चीज़ों में होता है, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते रहते हैं, पैसे हर जगह मूव करते हैं। अब सामने वाले को क्या है आपको नहीं पता, या किसी और को क्या था आपको नहीं पता, तो आप हाथ साफ करके खाना खाते टाइम अपना ध्यान रख सकते हो कम से कम, ठीक है। सो ये सब चीज़ें करो यार, और बस अभी मैं थोड़ा प्रोटीन पीता हूँ और देन उसके बाद मैं नहाता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को एडिट करता हूँ, ठीक है। सो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बैठ के कर लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे सोते सोते सब कुछ काम कर लोगे क्या। तो भैया ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, अगर तुम्हें अच्छी लगी है ये ज्ञान प्रवचन, तो ये देखो बोर हो गया हो तो मुझे पता नहीं, पर ये देखो एक बहुत अच्छी बात थी, और ये मेरे को लगता है बताना एक फर्ज था एक अच्छे नागरिक की तरह। और हाँ, वोट दिया क्या कल? देखो भाई मेरे पास अभी जो दिल्ली का वो है वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता दिल्ली में, पर जो लोग दिल्ली के हैं वो दे सकते हैं, और देना भी चाहिए था।
अभी देखते हैं कौन जीतता है, हमारे केजरीवाल जी जीतते हैं या मोदी जी जीतते हैं, जो भी जीतेंगे अच्छा ही होगा और आई होप सब कुछ अच्छा ही रहे। सो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, देख रहे हो तुम्हारे भाई के अंदर बीमारी में भी कितनी पावर आ रही है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ ऑटो एक्सपो चला जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ नीचे कमेंट करके बता देना, उसकी वीडियो मिल जाएगी फिर। चलो बाय।